नमस्कार दोस्तों, सब लोग को जय दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार में आप सभी लोग का स्वागत है। मेरे तरफ से आप सभी को जोहार। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बात करने वाले दोस्तों आप लोग का होमगार्ड का रिगार्डिंग। दोस्तों एक नोटिस जारी हुआ दोस्तों, किसका नोटिस है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों हम लोग बोकारो होमगार्ड का भी कुछ अपडेट है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जहाँ जहाँ आप लोग का होमगार्ड का वैकेंसी फंसा हुआ उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों अभी जो नोटिस आप लोग का एक आ रहा दोस्तों, वो आप लोग का पलामू होमगार्ड का आ रहा दोस्तों। फाइनल लिस्ट सबसे पहले दोस्तों पलामू का जितना भी कैंडिडेट है दोस्तों, सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, क्योंकि ये जो लिस्ट है आप लोग का फाइनल लिस्ट है। तो इसके बाद दोस्तों आप लोग का लिस्ट नहीं होगा, मेडिकल का प्रोसेस वो लोग का हो चुका था। मेडिकल के बाद दोस्तों जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो भी प्रक्रिया होता है, सारा प्रक्रिया आप लोग का होने के बाद दोस्तों ये आप लोग का फाइनल लिस्ट जारी हुआ। और इसके बाद दोस्तों कोई लिस्ट जारी नहीं होगा, इसके बाद आप लोग ज्वाइनिंग वगैरह जो है पलामू होमगार्ड का वो आप लोग का हो जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चित रहिए, आप किसी प्रकार से आप लोग का आप अगर कोई केस का मैटर या कुछ भी प्रक्रिया अगर होता है तो किसी प्रकार से आप लोग का माइंड नहीं होगा। इसके बाद आप लोग का ये लिस्ट आप लोग का हो चुका। बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि पलामू होमगार्ड का केस का मैटर हो गया, और तो आपको हम पहले ही बताते हैं। देखिए आप लोग का पलामू होमगार्ड का दोस्तों ये केस का मैटर कब हुआ था। देखिए केस का मैटर पलामू होमगार्ड का हुआ था दोस्तों कि वो सब लोग का प्रोसेस हो चुका था, मेडिकल का प्रोसेस होने के बाद केस का मैटर लगाया गया था। लेकिन दोस्तों ये जब मेगा सूची जारी हुआ था उस टाइम अगर आप लोग का रोक लग जाता तो अलग बात था, लेकिन दोस्तों पूरी तरह से प्रोसेस होने के बाद अगर रोक लगाता कोई है तो बिल्कुल वो मायने नहीं होता। तो फिलहाल अभी फाइनल डिसीजन आ चुका, फाइनल लिस्ट आ चुका, इसके बाद ये लोग का सभी लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा और सब लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन। और इतना ही लिस्ट का आप लोग का जो लिस्ट है सभी लोग का यहाँ पर लिस्ट में दोस्तों। अब आप लोग का कॉमेंट होगा कि भैया आखिर इसका ज्वाइनिंग कब तक होगा। तो देखिए दोस्तों ये महीना तो आप लोग का इलेक्शन का जितना भी एसपी डीएसपी कमांडेंट है सब लोग का अभी कहाँ पे लगा दिया जाएगा, इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाएगा। इसके बाद भी दोस्तों अगले मंथ तो इलेक्शन है, तो दोस्तों हो सकता है कि ये मंथ का लास्ट तक अगर कुछ अपडेट नहीं आया तो अगले मंथ तक बिल्कुल कोई अपडेट नहीं आएगा। उसके बाद आप लोग का मतलब डेढ़ से दो महीने के अंदर में आप लोग का ज्वाइनिंग भी हो सकता है दोस्तों। हो सकता है कि कल परसों तक अगर कुछ अपडेट अगर फिर से आ जाता है तो सही है, नहीं तो दोस्तों अभी फिलहाल 1 से 1.5 महीने आप लोग का लगेगा, उसके बाद आप लोग का ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो आप लोग का हो जाएगा। अब आप लोग देखिए दोस्तों, झारखंड का जो कार्य मंत्री है दोस्तों वो आपको बता दिया है कि जहां जहां आप लोग भर्ती का प्रक्रिया आप लोग का रुका हुआ वहां वहां आप लोग का प्रक्रिया आप लोग का तेज गति से होने वाला दोस्तों। दोस्तों बोकारो होमगार्ड का भी दोस्तों अब आप लोग का जो अपडेट है दोस्तों वो भी हम बता देते हैं कि बोकारो होमगार्ड का जो केस का मैटर था वो तो बिल्कुल चल ही रहा, और फिलहाल इसका अभी जांच पड़ताल दोस्तों और तेजी गति से आप लोग का बढ़ा दिया गया। हो सकता है दोस्तों इसका भी बहुत ही जल्दी आप लोग कुछ ना कुछ गुड न्यूज देखने को मिल ही जाएगा दोस्तों। हो सकता है इलेक्शन का बाद तक दोस्तों हो सकता है कि इसका प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एसपी डीएसपी कमांडेंट जितना भी चेक अधिकारी होता है सभी लोग को क्या लगा दिया गया, इलेक्शन का डिप्टी पे लगा दिया है। कल या परसों तक दोस्तों वो लोग का ट्रेनिंग चलेगा इलेक्शन में जितना भी लोग है वो लोग का। इसीलिए दोस्तों आपको हम बता देते हैं पहले ही आपको कि अब आप लोग जो बोकारो होमगार्ड को अपडेट आएगा दोस्तों इलेक्शन के बाद ही आप लोग का अपडेट आएगा। और देखिए धनबाद जितना भी होमगार्ड का आप लोग का प्रोसेस जहां जहां आप लोग का फंसा हुआ मैटर, अब आप लोग का इलेक्शन के बाद ही प्रोसेस चालू होगा, अभी फिलहाल कोई प्रोसेस चालू नहीं होगा। लेकिन दोस्तों पलामू होमगार्ड का दोस्तों हो सकता है कि कल परसों तक अगर कुछ नया अपडेट अगर आ जाता है ये सप्ताह तक तो सही है, नहीं तो आप लोग 1.5 महीने आप लोग का टाइम लगेगा आप लोग का अभी। तो यही अपडेट है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। चलिए आप लोग दिखा देते हैं कि पलामू होमगार्ड का दोस्तों कितना लिस्ट में लिखना है, क्या क्या नाम से आप लोग आया। चलिए हम लोग पूरा लिस्ट को दिखा देते हैं। ये जो लिस्ट है आप लोग देख रहे हो सारा पलामू होमगार्ड का, ये लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा इसके बाद, और फाइनल डिसीजन है, फाइनल रिजल्ट है। और आप लोग को कैसा फीलिंग लग रहा है, फाइनली आप लोग का कंप्लीट हो चुका। और देखिए बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं जब तक हम ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तब तक अभी मेरा फीलिंग नहीं है, क्योंकि भाई झारखंड है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, अगर फाइनल मेगा सूची जारी हो चुका, ये एकदम फाइनल डिसीजन पूरी तरह से आप लोग का हो चुका, मेडिकल प्रोसेस सब कुछ होने के बाद आप लोग टेंशन मत लो। ऑल द बेस्ट सब लोग को आगे की जर्नी के लिए आप लोग को, और यही लिस्ट है आप लोग का फाइनल डिसीजन का भाई, तो आप लोग ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी देखिए आप लोग जिसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया उन लोग को ज्यादा डिमोटिवेट होने का कोई जरूरत नहीं, अभी आप लोग और भी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला, क्योंकि सरकार आप लोग का मालूम है कि बताया गया दोस्तों अभी पेपर के आप लोग का एक अपडेट आया। देखिए यहाँ पर पेपर कटिंग, आप लोग यहाँ पर बता दिया गया 3 से 4 माह के राज्य में होगी 30,000 नई नियुक्तियां। चंपई सोरेन ने आप लोग का बताया, जो अभी झारखंड का नया मुख्यमंत्री है दोस्तों, वो आपको बताया कि और भी आप लोग वैकेंसी आने वाला। तो ज्यादा देखिए जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको भी ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, और जिसका सिलेक्शन हो गया उसको आगे की प्रक्रिया के लिए आप लोग सोचो कि अगर आप लोग का हुआ है तो झारखंड पुलिस का भी सोच रहे हो, अगर होगा तो अच्छा है आपके लिए। आप लोग सोचो एक चीज, आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट आया था कि भैया जिसका भी मान लीजिए कि इस बार सिलेक्शन हुआ
क्या उसको झारखंड पुलिस में बेनिफिट मिलेगा? तो बिल्कुल आप लोग का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अभी अगर आपका ज्वाइनिंग भी अगर हो जाता है तो आप लोग का बेनिफिट नहीं होगा। जब तक दोस्तों आप लोग का 6 महीना ड्यूटी नहीं कीजिएगा, आपको 6 महीना ट्रेनिंग नहीं कीजिएगा, तब तक दोस्तों आप लोग का इसका बेनिफिट नहीं लीजिएगा। 50% आप लोग का आरक्षण अभी नहीं मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्तों। और बोकारो होमगार्ड का देखिए बहुत ही जल्दी आप लोग अपडेट मिलेगा। जहां जहां आप लोग वैकेंसी आप लोग रुका हुआ, प्रोसेस बहुत ही जल्दी आप लोग का चलने वाला दोस्तों। इसका जांच अभी चल ही रहा है बोकारो होमगार्ड का, जो भी अपडेट आएगा आप लोग का मिलते रहेगा। बाकी अभी फिलहाल तो कोई ऐसा अपडेट नहीं है बोकारो होमगार्ड। अभी हाल फिलहाल एक सप्ताह पहले आप लोग का अपडेट यही था कि जांच एजेंसी अभी जांच कर रहा है, अभी क्या अभी हो रहा है आगे का प्रक्रिया दोस्तों। देखिए आप लोग का हो सकता है कि इसका भी प्रोसेस बहुत ही जल्दी आप लोग कुछ ना कुछ नया अपडेट आप लोग का आ ही जाएगा। जो भी अपडेट आएगा आप लोग का ये जो इसी चैनल पे आप लोग सारा अपडेट मिलते रहेगा, और शुरू से ही आप लोग का अपडेट मिलते रहा है दोस्तों इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सभी लोग को मालूम चल गया कि क्या अपडेट है दोस्तों, और ये जो लिस्ट है दोस्तों आप लोग का जो आपको अभी लिस्ट जो आया, ये जो मेरा कॉमेंट में जाइएगा, कॉमेंट में जाइएगा, उसके बाद टेलीग्राम में आप पहुंच जाइएगा। टेलीग्राम में ये लिस्ट को हम भेज दे रहे हैं, आप वहां से अपना लिस्ट को देख सकते हो कि कितना लोगों का सिलेक्शन हुआ, क्या हुआ, ये लिस्ट हम पूरा आपको टेलीग्राम में डाल देते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप लोग देख सकते हो जो आप लोग का नोटिस आया पलामू होमगार्ड का, क्या आप लोग का बताया गया यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ आपको एक एक पॉइंट के साथ समझ में आ जाएगा। कार्यालय उपयुक्त जिला दंडाधिकारी पलामू का दोस्तों आप लोग का होमगार्ड का ये आप लोग का है। जितना भी लोग का दोस्तों आप लोग का मेगा सूची में नाम आया था, मेडिकल जीओ लोग का हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया था, वो लोग का फाइनल आप लोग का अंतिम बताया गया कि अंतिम दोस्तों फाइनल आप लोग का मेगा सूची है इसी आप लोग का, इसके बाद आप लोग कोई लिस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लोग जितना भी लोग का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, पुरुष महिला सभी लोग का आप लोग का यहाँ पर दिया गया, रोल नंबर वगैरह दे दिया गया दोस्तों। यहाँ पर चैनपुर पुरुष का है दोस्तों, छतरपुर का दोस्तों पुरुष का दोस्तों, इसी तरह से दोस्तों सभी लोग का यहाँ पर दिया गया। देखिए हजारीबाग पुरुष सभी लोग का दिया गया, जितना भी आप लोग का है महिला पुरुष सभी लोग का, जितना लोग का सिलेक्शन हुआ दोस्तों ये आप लोग का पूरा दिया गया दोस्तों। देख लीजिए पूरा लिस्ट आप लोग का है, ये लिस्ट आप लोग टेलीग्राम में मिल जाएगा, जितना लोगों का सिलेक्शन हुआ सारा लोग का दिया गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए कार्यालय सब चंडीगढ़ पुलवामा महिलाओं का दोस्तों, जितना लोग का सिलेक्शन हुआ यहाँ पर सभी लोग का दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों यही आप लोग का लिस्ट है, इसके बाद आप लोग कोई लिस्ट जारी नहीं होगा, ये लोग का फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए आप लोग पूरा यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ दिया गया, और सभी लोग को अपना अपना रोल नंबर मैच कर लीजिएगा। जितना लोग का सिलेक्शन हुआ है सभी लोग को यहाँ पर दिया गया। देखिए शहरी तकनीकी गैर तकनीकी टेक्निकल नॉन टेक्निकल सबका यहाँ पर दिया गया लिस्ट में दोस्तों। टोटल आप लोग का कितना लिस्ट है, टोटल 8 पेज का ये लिस्ट है दोस्तों। आप लोग जाकर टेलीग्राम में डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा किसका लिस्ट में नाम है किसका लिस्ट में नाम नहीं है। बाकी ये फाइनल डिसीजन है दोस्तों, इसी के आधार पे आप लोग का ज्वाइनिंग होगा दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जितना भी भाई लोग देख रहे हो। और बाकी आप लोग का जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आप लोग ज्यादा निराश होने का कोई जरूरत नहीं, और भी आप लोग वैकेंसी आने वाला आप लोग का 3 से 4 महीने के अंदर में, तो उस चीजों का भी आप प्रिपरेशन कीजिए। अभी झारखंड पुलिस का भी और भी वैकेंसी है दोस्तों, महिलाओं का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप उस चीजों का भी फोकस कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सभी लोग को जय हिंद, आप सभी लोग को।